विश्व भर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सब कोई अपने अपने तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं, लेकिन देवघर के रजत मुखर्जी एक अनोखे तरीके से और एक संदेश रूपी तौर पर क्रिसमस मनाते हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे विश्व में अभी क्रिसमस की धूम मची हुई है, हर कोई अपने अपने तरीके से क्रिसमस मना रहा है, लेकिन देवघर के रजत मुखर्जी ने क्रिसमस मनाने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल रजत मुखर्जी डाक टिकट संग्रह करने के शौकीन हैं और पिछले 40 से ज़्यादा वर्षों से ये डाक टिकट संग्रह कर रहे हैं। लगभग 160 देशों के दुर्लभ डाक टिकटों का इन्होंने संग्रह किया है। ख़ास बात यह है कि ईसा मसीह के जीवन काल से जुड़े दर्जनों दुर्लभ डाक टिकटों का भी इन्होंने संग्रह किया है। क्रिसमस के इस पावन अवसर पर इनके द्वारा ईसा मसीह से जुड़े विश्व के ऐसे दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसमें प्रभु यीशु के जीवन काल को बखूबी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में लगभग 50 देशों के ऐसे दुर्लभ डाक टिकट को शामिल किया गया है जिसमें ईसा मसीह की जीवनी को सचित्र दर्शाया गया है। उनका मानना है कि सोशल मीडिया के इस युग में आज की नई पीढ़ी डाक टिकट से अनभिज्ञ होने लगी है। ऐसे में क्रिसमस के इस पावन अवसर पर डाक टिकट की प्रदर्शनी के जरिए उन्हें डाक टिकट की जानकारी भी मिलती है और डाक टिकट के प्रति उनमें रुचि भी बढ़ती है। साल हम काफी वर्षों से हम इसी प्रकार स्टैंप लगा करके स्टैंप का सारे जितने भी क्रिसमस स्टैंप्स है उसे ला करके हम संदेश देते हैं, ये ईसा मसीह का प्रेम का संदेश देते हैं। चूंकि वो प्रेम का ही देवता थे और प्रेम ही सर्वोपरि है, उन्होंने कहा, ईसा ने कहा कि प्रेम ही सर्वोपरि है, व्हाट इज लव, उस पर प्रेम है और साथ साथ में वो शांति का दूत भी है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि मेरे पास तो काफ़ी अधिक मात्रा में मेरे पास कम से कम 50,000 स्टैम्प्स है, तो उनमें से 200-250 स्टैम्प्स केवल क्रिसमस के हैं। उसी स्टैम्प्स के जरिए से हम समाज को, लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं। हम यहाँ पर जितना दें और हम ये भी चाहते हैं कि आगे जाके हम भी हमारे सर के जैसे ही सबको समझाएं कि डाक टिकट के बारे में समझाएं और हम भी मतलब यहाँ से और आगे चल के हम ये भी चाहेंगे कि हम इसके बारे में और ज़्यादा जानें और सबको इतना सारा डाक टिकट देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है और हम भी चाहेंगे कि इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके और इसको कलेक्ट करना हम भी यीशु के बारे में कि कब यीशु बर्थ हुए थे और इसमें किसके किसके साथ उनका स्टैम्प सब कलेक्ट था और कहाँ कहाँ का स्टैम्प। ये डाक टिकट देख के बहुत अच्छा लगा, ये हम लोग क्रिसमस सर के साथ बहुत पहले से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने सारे डाक टिकट देख के तो हम लोग और भी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि सर मेरे सर इतने अच्छे, इतना सारा डाक टिकट इनके पास है। फेसबुक और व्हाट्सएप के इस युग में खासकर नई पीढ़ी डाक टिकट को जिस तरह भूलने लगी है, क्रिसमस के अवसर पर इससे जुड़े दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी से क्रिसमस के आनंद के साथ बच्चों को इन डाक टिकटों के महत्व को समझने और इनका दर्शन करने का भी अवसर मिलता है। विश्व में अहिंसा बढ़ गया है, ऐसे में यीशु के जो संदेश है उसको देने उपलब्ध कराने के लिए, लोग तक पहुंचाने के लिए इस तरह के जो प्रदर्शनी है खासकर क्रिसमस के मौके पर और बच्चों को जानकारी उपलब्ध करना रजत मुखर्जी का एक सराहनीय प्रयास है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नई पीढ़ी इसे सीख रहे हैं वो भी आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। ऋतुराज सिन्हा, द न्यूज़ पोस्ट।